ये आया लंगूर, लंगूर है लंगूर। भाग गया भाग गया भाग गया वहां पे, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। तो यहाँ पे लंगूर आ गया है, और दिन तो बंदर आ रहे थे, यार लंगूर आ गया। यू भी हल्ला नहीं, यू भी हल्ला नहीं। हेलो दोस्तों, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, तभी आप सब अच्छे होंगे, यहाँ हम सब भी अच्छे हैं। तो सुबह का सारा काम हो गया है, नाश्ता पानी वगैरह हमारा हो गया। नाश्ते मैंने बनाया था सिर्फ मैगी बनाई थी, क्योंकि बच्चे मैगी हैं घर पर, और ये अभी गाँव है। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है हमारा, अब कपड़े धोती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग को और बाहर। तो दोस्तों शाम का समय हो गया, और इसमें ना मैंने चाय पी ली है, और बच्चे ना आम खा रहे, हमारे पेट में ना आम लगे तो गिर रहे ना, बीच बीच में से पके वाले आम गिर रहे। देना आइस मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है तो ये, और पता है बहुत मीठा आम होता है। इस बार तो ना छोटा आम लगा है, लेकिन हमारा ना बड़े बड़े आम लगते हैं। इस बार बारिश नहीं हुई ना, तो उस वजह से नहीं खा रही हूँ मैं, तो उस वजह से ना छोटे छोटे आम लग रहे हैं। तो शाम के समय ना कपड़े वगैरह धो रखे हैं, सुबह नहीं धोए, शाम के समय धो रखे कपड़े। अब मैं जाती हूँ कपड़े डालने धूप में, मतलब धूप तो है ही, अभी 5 बज रहा है शाम का, तो 5 बजे तो धूप होती है कहाँ, 8:30 या 7:45 बजे तो अंधेरा हो रहा है। तो चलिए पहले कपड़े डाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों आज ना दिन के समय हमारे वहाँ मतलब 12 या 1 बजे ना लंगूर आया था छत में, तो मैंने फटाफट से गई कैमरा लेके ब्लॉग बनाया। बगल में ना बच्चों ने बताया कि ना यहाँ लंगूर आया, तो मैं गई छत मतलब अपने आंगन में, तो वहाँ से ना मैंने ब्लॉग बना रखा है। लंगूर एक लंगूर था, मैंने तो एक ही देखा, वैसे थे कितने पता नहीं, लेकिन बच्चे जानते, फिर मैंने मना करा कि काट दिए करके, और ऐसे उछाल मार रहे थे ना, बड़ी डर लग रही थी। तो चलिए बाकी काम कर लेते हैं। लंगूर है लंगूर, भाग गया भाग गया भाग गया वहाँ पे, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। तो यहाँ पे लंगूर आ गया है, और दिन तो बंदर आ रहे थे, यार लंगूर आ गया। यू भी हल्ला नहीं। तो दोस्तों यूवी की ना बहुत सारी घमोरी हो रही है, और मैंने ना इसके पाउडर लगा दिया है माथे में भी, और सुबह नहाने के बाद डाला था मैंने शरीर में और मुंह में, लेकिन अभी फेस में लगा रखा, मतलब मुंह में लगा रखा है, और मुंह बना हुआ है। बता रही क्यों, कह रहा भाई से मुझे आम दे, ये इसने 2 खा लिए, अब इसको गुस्सा आ रहा है, वो भी दूसरा भी खा रहा है करके। यूवी, और यूवी से बोला मैंने, यूवी सोफे सही कर दी, यूवी ने ना हमारे सोफे सही कर रखे, क्योंकि ना दिन में बच्चे सब खराब कर देते हैं, यूवी ने सही करे ना। यूवी यूवी बहुत काम करता है, इतनी अच्छी तरह बिछा दिए उसने, कुशन भी कितनी अच्छी तरह रखे हैं, गुड बॉय। अच्छा ये भी सही कर रखे हैं, हाँ ये भी, बस बस अब हो गया, अब ज़्यादा हो रहा है फिर ये, यूवी हो गया अब सही हो रहा है, बस ज़्यादा तारीफ कर दी ना मैंने। प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, यहाँ हम सब भी अच्छे हैं। दिन के समय से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो सुबह से ऐसे ही नहीं किया, थोड़ा आयुष की तबीयत ठीक नहीं है, आज आयुष ना उल्टी हो रही, पेट दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग की शुरुआत नहीं करी, अभी कर रही हूँ, अभी ना वो थोड़ा ठीक है, और खाना नहीं खाया पर वैसे ठीक है। तो दोस्तों ब्लॉग बनाते बनाते ना दूध आ गया था, मतलब मैं ना ब्लॉग बहुत देर में से शुरू कर रही हूँ, मतलब दिन के 1:30 या 2 बज गया है, इस समय हमारा दूध आता है। तो दूध जैसे मैं ब्लॉग बना रही थी, तो दूध वाले भैया आ गए थे, और वो क्या बोल रहे ना, जैसे मतलब जैसे गर्मी की छुट्टी में हर कोई मायके जाता है ना, जैसे हर कोई लेडी मायके जाती है, तो मैंने बोला भैया से क्या पता मैं जाऊँगी, तो बोले थे जब भी जाओ मतलब जुलाई में जाना, मैं कहा जुलाई में जाएगी तो मेरे बच्चों का कितना अपसेंट हो जाएगा, जुलाई में तो स्कूल खुल जाती है ना सभी बच्चों के, तो मैंने बोला मेरे बच्चों का कितना अपसेंट हो जाएगा स्कूल का, तो बोल रहे अरे दीदी मेरे बहुत मतलब कस्टमर वो हो रहे हैं, कहना मतलब ग्राहक सब लोग इधर उधर गए हैं, तो ना दूध का बहुत हो रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, मुझे भी तो जून में ही जाना होगा ना, क्योंकि मेरे बच्चों की अभी छुट्टी है, तो अभी जा सकती हूँ, जुलाई में क्या करूँगी, जुलाई में तो एक ही दिन के लिए जा पाती हूँ, मतलब जैसे स्कूल जब खुलते हैं ना बच्चों के, तो एक ही दिन के लिए जाया जाता है मायके, वैसे ज़्यादा दिन के नहीं, जैसे अभी जून की छुट्टी है तो ज़्यादा दिन के लिए जाया जाता है। तो मुझे हंसी भी आती, कल भी गए थे भैया दीदी जुलाई में जाना, कट तो नहीं करा, तो कल भी कह रहे थे भैया दीदी जुलाई में जाना, और आज भी कह रहे जुलाई में जाना, जुलाई में क्यों जाऊंगी मैं, भैया का लॉस हो रहा है तो इसमें मेरे भी तो लॉस है ना, बाद में जुलाई में जाने में मतलब मेरे बच्चों का अपसेंट होगा, इतना पढ़ाई का लॉस होगा, कहने मतलब इतना होमवर्क मिलेगा, क्लास वर्क जो भी होती है पढ़ाई होती है, कितना लॉस हो जाएगा ना पढ़ाई का, इस वजह से मुझे हंसी भी आ रही भैया की बात सुन के बार बार। तो चलिए अब ना थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, आयुष तो लेट आई हुआ है, बाकी हम लोग भी मैं यू भी लेट थे, और ये ना कल शाम ही आ गए थे गाँव से, हाँ कल शाम आ गए थे, 8 बजे तक आ गए थे गाँव से, और मुझे भी नहीं पता था, इनने ना भवाली पहुँच के मुझे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ करके, तो कल शाम ही आ गए थे, और आज ड्यूटी गए हैं, अभी खाना खाने के लिए आए थे, खाना खा के चले गए, हमने सबने साथ खाना खाया तो चले गए, आयुष ने नहीं खाया, उसके ना पेट दर्द वगैरह और उल्टी और मतलब उल्टी और हाँ हो रहा है, उल्टी वगैरह हो रही है, तो उसने नहीं खाया खाना, बाकी चलिए आराम करते हैं और फिर मिलती हूँ आपको।
प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल लस्सी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, यहां हम सब भी अच्छे। तो दोस्तों आज शाम से मैं मायके से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं। वैसे हम लोग ना सुबह 11 बजे निकल गए थे ससुराल से, अभी शाम के समय से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं। मम्मी लोग ना अभी इवनिंग वॉक करने गए हैं, पापा गए थे अम्मा से मिलने, तो अभी सब इधर उधर हैं, भाभी लोग भाई लोग काम कर रहे हैं, फिर मिलाती हूँ आपको सबसे। तो दोस्तों जो ससुराल में ब्लॉग बनाया था मैंने, थोड़ा बहुत बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, पूरा कंटिन्यू नहीं करा था, तो वो ब्लॉग और मायके और ससुराल का ब्लॉग ऐड करके तो फिर अपलोड के लिए मतलब फिर भेजूंगी कहने का। तो दोस्तों यहाँ ना मौसम आज थोड़ा बारिश वाला हो रहा है, पर बारिश मेरे ख्याल से नहीं होगी क्योंकि बारिश ना डर रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। इसमें चरी बैठे हैं यूवी सही से, और यहाँ पर ये क्या चरी बो रहा हूँ बोल रहा है, पता नहीं क्या बो रहा है, ये कैरी में है। और इन नए लगा रखे हैं यहाँ पे भिंडी, और वो वहाँ लगा रखा है बीना, धानों की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे धान का बीना रखा है वो उधर पे खेत पे, उधर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। इसमें मतलब बीज रखते हैं, बीज बीना कहाँ है, उसमें वो जो धोतियाँ रखी हैं जो उसके नीचे बीने। तो बारिश आने का मौसम हो रहा था यहाँ, अब ना ये धूप आ गई है सूरज देवता आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं शाम के समय। और यहाँ भाभी यहाँ पे चेरी काट रही है, बच्चे खड़े हैं, डॉगी बैठा है, बाकी यहाँ का यहाँ की हरियाली देखो आप लोग, हरियाली करियाली नहीं तो शाम को घर आ गए हैं सब लोग, मतलब काम वाम करके, मम्मी इवनिंग वॉक करके, और भाभी क्या बना रही, ये आम का पानी, आम पन्ना बना रही मम्मी से पानी, मम्मी बना रही है सब्जी, मम्मी सब्जी की तैयारी कर रही है और भाभी आम पन्ना बना रही, क्योंकि ना शाम को यहाँ चाय भी पीते हैं आजकल, आम पन्ना पीते हैं अपने सेहत का ध्यान रखते हुए, हम रोज वही पीते हैं। भुजिया बना रही मम्मी, पनीर की भुजिया बना रही जो कि भाभी ने घर में बना रखा। भाभी दिखाओ अपना पनीर, दिखाओ आपके पनीर की सब तारीफ करते, मतलब दी लोग भी करते तारीफ, अच्छा पनीर बनाती है ये, अगर दी लोग देख रहे हो तो आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा पनीर बना रखा है बनाओ फिर मैं बैठ रही हाँ, अभी ये पी रहे हो पन्ना, आम पन्ना पी रहे बेटा, इसको संभाल दो अभी, संभाल दो, लगाओ ना, मेरे को अभी जरूरी नहीं है, आप लगा लो आप लगा लो। तो यहाँ पर पापा गोरपड़ाव से आ गए, पापा गए थे गोरपड़ाव आमा से मिलने, ना आप लगा लो मैं बाद में लगा लूंगा, लगाओ फिर लगाओ, जहाँ लगा लो मैं थोड़ी देर में लगाऊंगा। तो यहाँ पे भाभी ने बना दिया आम पन्ना, अब हम लोग पियेंगे, बच्चे भी भारी धोके आएगा, यूवी हाँ यूवी भारी धोके आम पन्ना बना रहे। हाँ पहले पहले टेस्ट कराओ ना, पता लग रहा है पसंद नहीं आ रहा फिर नहीं पियेंगे, बर्बाद कर देंगे। अच्छा हो रहा है, तो ये मेरा गिलास आ गया। अच्छा बहुत टेस्टी हो रहा है, अच्छा हो रहा है यार। अच्छा बच्चे नहीं आम पन्ना पी रहे हैं, पैर धो के गीले पैर से क्यों आते हो एकदम। चूल्हे में पका रखा है, गैस में प्रेशर कुकर में। यहाँ पर मम्मी ने ना पनीर हाथ से ही मैश कर लिया, कह रही कद्दूकस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हाथ से ही कर लेती हूँ मैश, हाथ से हाँ। तो यहाँ पर
तैयारी शुरू हो गई है। बाकी ये पनीर भाभी का यहाँ पर आटा गूंद रहा है, पानी कम हो गया। बना दिए भाभी ने दही की लस्सी। मैं अपना खाना ले गई, ये है भुजिया पनीर की रोटी एंड लस्सी मतलब मट्ठा। तो रात का समय हो गया, रात के बज गया, यहाँ पर कॉल लेता सौर ना, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और अब करते हैं सोने की तैयारी। खाने के बाद तो हम ना बाहर घूम भी गए हैं, सब लोग हम बाहर घूम भी गए हैं, मतलब वॉक कहने का मतलब वॉक खाना पचाने के लिए। बाकी आप सोने की तैयारी करते हैं, तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय।